भारत और श्रीलंका के बीच 3 ODI सीरीज का जो पहला मुकाबला आज खेला गया है उसमें मैच जो है टाई हो गया है। रोहित शर्मा की जो मेहनत थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टॉस हुआ, उसके बाद मैच शुरू हुई और पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी किया और 230 रन निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर गंवा कर बनाई। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम तो शुरुआती रन तो ठीक रहा, रोहित शर्मा और शुभम गिल के बीच काफ़ी अच्छी जोड़ी जमी। उसके बाद रोहित शर्मा ने अर्धशतक जमाया जिसके बाद शुभम गिल का विकेट आउट हुआ। उसके बाद रोहित शर्मा धीरे धीरे सभी विकेटें आउट होते गए। बीच में कुछ देर के लिए KL राहुल और अक्षर पटेल ने अच्छी जिम्मेदारियों के साथ क्रिकेट खेला। बाद में जवाबदेही आई शिवम दुबे के ऊपर, शिवम दुबे ने भी 20-21 रन की पारी खेली। उसके बाद लास्ट में मुकाबला फंस गया 48वां ओवर में जाके। 48वां ओवर के 5वीं गेंद पे भारतीय टीम जो है 230 रनों पे ऑल आउट हो गई, यानी कि जो है श्रीलंका की टीम 230 रन 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में बनाई थी, तो वहीं भारतीय टीम जो है 230 रन 47.5 यानी कि 48वें ओवर से एक गेंद पहले ऑल आउट हो गई और यह मैच जो है टाई हो गया। तो यह मैच जो है भारत और श्रीलंका का जो वनडे मैच था उसका पहला मुकाबला था और पहला मुकाबला टाई हो गया। इस मैच में सुपर ओवर की कोई भी व्यवस्था नहीं थी जिसे निर्धारित किया जा सकता था कि ये मैच को भारत जीतेगा या फिर श्रीलंका। सुपर ओवर नहीं होने के कारण पहला मुकाबला जो है टाई हो गया। अब दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को इसी मैदान में फिर से भारत और श्रीलंका आमने सामने होगी 2:30 बजे से।